हेलो एवरीवन, मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल के क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं आज आपको 12th क्लास का मैथ का सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 1 के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल से जाकर सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है पहले चैप्टर में या कोई भी क्वेश्चन है जो दिक्कत कर रहा तो आप मुझसे कमेंट में आकर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे मेरे को क्वेश्चन और एक्सरसाइज का नाम दे सकते हैं आप, तो मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। अब आप ये चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 2 है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन देखो, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि अगर एफ फलन है, एफ क्या है, कोई फलन है, अगर ये क्या है, एक एक ही है और आच्छादक है तो एफ इनवर्स का अस्तित्व होता था, ये हमने पढ़ रखा। लेकिन यहां पे क्या है देखो, ट्रिग्नोमेट्री फलन की बात करें, 11वीं में हमने पढ़ रखा कि अपने सामान्य रूप में कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के फलन का जो व्युत्क्रम है उसका अस्तित्व नहीं होता बिल्कुल भी। तो देखो, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, मान जैसे साइन था, साइन क्या था, रियल नंबर्स है -1 to 1, साइन में -1 से 1 के बीच होता है, साइन में सभी जितनी भी डिग्री है सबका मान -1 से 1 के बीच में। सेम टू सेम इसी तरह से आपने कोस पढ़ा था, इस तरह से आपने कोस पढ़ा था, आर टेंडिंग टू -1 to 1। एक पढ़ा था आपने टेन, टेन टेन क्या पढ़ा था आपने, तो टेन था आपका आर माइनस, ये सेट हटा दिया, और टेंडिंग टू आर रियल नंबर भी था, ऐसी आर भी था, ये भी आपका एक्स एज दैट एक्स सेम था, ये एक्स एज दैट एक्स बराबर आपका एन पाई फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू जेड टेंडिंग टू आर, ये आपने 11th क्लास में पढ़ रखा, और इसी तरह से आपका सेक का और कोसेक का था। अब देखो आपके यहाँ पे जो है मेन जो टॉपिक है 12th क्लास के अंदर, वो है आपको इनकी रेंज, इनवर्स की रेंज याद रखनी है आपको, और रेंज के ऊपर इसके क्वेश्चन है। देखो इसके ऊपर कुछ साइन कोस टैन कोट के ग्राफ है जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, अगर नहीं भी पढ़े तो यार वहाँ से पढ़ लेना एक बार फिर से। देखो अब मैं आपको केवल यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के हिसाब से केवल रेंज भी बता रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं का यहाँ पे यूज है सबसे ज्यादा। तो देखो ये छोड़ दो अभी आप, तो आपको फिलहाल देखो क्या याद रखना, आपको याद रखना जो साइन है, साइन इनवर्स -1 से 1, और इसकी जो रेंज होती है, परिसर होता है, वो होता है इसका -π/2 से π/2, ठीक है। अब बात करते हैं कोस इनवर्स की, कोस इनवर्स की जो रेंज होती है -1 से 1 वो होती है 0 to π, ये याद रखना है ये कि किसकी क्या रेंज है, ठीक है। इसके बाद आपका कोसेक इनवर्स है जिसका होता है आपका आर माइनस -1 to 1 टेंडिंग टू -π/2 to π/2 और -0। देखो जिसपे भी इसका मान आपका इन्फिनिटी होगा वही सेट इसमें से हम घटाते रहेंगे, ठीक है। इस सेम टू सेम आपका फिर सेक इनवर्स की भी रेंज होती है आपकी आर माइनस 1 to 1 और टेंडिंग टू आपका 0 to π और माइनस आपका π/2, ठीक है। इसी तरह से आपका टेन इनवर्स होता है आपका आर टेंडिंग टू, इसकी जो रेंज होती है -π/2 से π/2, ये ओपन इंटरवल में है, ये क्लोज इंटरवल में है, इंटरवल आपने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं। और इसके बाद आपका कोट इनवर्स ये आपका आर टेंडिंग टू, ये आपका 0 to π, ये होती है आपकी इसकी रेंज। अब देखो इसके दो मान होते हैं, एक तो होता है मुख्य मान, एक होता है व्यापक, ये भी आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में जब व्यापक हल वाली एक्सरसाइज करी थी तो उसमें पढ़ा था मुख्य मान भी और आपका व्यापक मान भी, ठीक है, याद हो अगर। तो देखो तुम्हें फिलहाल यहाँ पे देखो, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में ये आपका एक्स एक्स होता है, ये वाई एक्स होता है, ये ए एस टी सी, ये ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, इसमें कोस और
सेट पॉजिटिव, अदर देन होते हैं आपके सब माइनस, ये पॉजिटिव है बाकी सब माइनस। तो देखो हर मान दो बार प्लस का होगा, दो बार माइनस के रखेगा। साइन की 0 से 360 डिग्री के बीच दो बार प्लस की वैल्यू आएगी एक, और दो बार माइनस की आएगी। कोई भी साइन का जैसे 1/2 मान है, तो ये इस 0 से 360 के बीच दो बार प्लस में होगा और दो बार आएगा आपका माइनस में। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर आपका 1, ये लिख रहा आपका साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसका मुख्य मान निकालना, तो देखो यार मुख्य मान निकालने के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये देखना कि जो भी हम साइन का मान निकाल लेंगे वो साइन की रेंज में होना चाहिए। साइन की रेंज क्या थी भाई, माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो जो साइन की वैल्यू आएगी वो इसके बीच आनी चाहिए। एक बात और याद रखिए उसमें कि अगर तुम्हारा x बराबर साइन थीटा है इनवर्स के लिए, तो यार थीटा बराबर ही साइन इनवर्स x होता है, ठीक है। अगर x बराबर साइन थीटा है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, हिंस ही बने हुए सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका साइन इनवर्स माइनस 1/2। साइन में कितने डिग्री का मान होता है, साइन 30 का, तो हो गया आपका साइन पाई बाई 6, ठीक है। अब देखो अगर हम ये माइनस हटाते हैं यहां से, तो ये माइनस किस तरह हटेगा, 180 माइनस कर लो तो प्लस 180, ये यार याद करो पाई माइनस थीटा और ये पाई प्लस थीटा, ये 2 पाई माइनस थीटा और ये 2 पाई प्लस थीटा, हमेशा इनपी मान चेंज करने माइनस हटाने के लिए, याद रखो इस चीज को। तो ये माइनस हटावे के लिए अगर हम, तो पाई प्लस थीटा, क्योंकि इसमें साइन माइनस का है, साइन इसमें प्लस का, इसमें और इसमें माइनस का है साइन, तो अगर हमें ये माइनस हटाना तो यार ये तो साइन पाई प्लस थीटा करेंगे, 2 पाई माइनस थीटा करेंगे। तो हम अगर करते हैं ये, तो देखो यार पाई बाई 2 इस रेंज से वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो हम साइन में ये माइनस अंदर ले जा सके, कोस और सेक एडजस्ट करते हैं बस माइनस को। अगर पता हो कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और सेक माइनस थीटा बराबर होता है आपका सेक थीटा, बाकी सब माइनस को बाहर दे देते हैं। अगर हमको साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, तो अब ये माइनस अंदर चला जाएगा। तो देखो यार साइन इनवर्स, ये साइन माइनस के पाई बाई 6 और साइन से इनवर्स कैंसिल, ये भी याद रखियो, ये अगर साइन साइन इनवर्स एक्स है तो ये कैंसिल हो गया डायरेक्ट, बचता है आपका एक्स, तो ये कैंसिल हो गया आपका, कितना बचा माइनस के पाई बाई 6, ठीक है। और यार ये जो है इस रेंज में आ रहा, तो ये बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब जाओ क्वेश्चन नंबर 4, ये लिख रहा आपका टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। देखो ध्यान से यार, टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, टेन में रूट 3 60 डिग्री का मान होता है, तो माइनस के टेन पाई बाई 3। अब देखो टेन में माइनस अंदर चला जाएगा, और टेन की रेंज क्या थी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो ले चलो यार टेन इनवर्स, ये टेन माइनस पाई बाई 3, टेन से इनवर्स ये हट जाएगा आपका, तो कितना बचा माइनस पाई बाई 3, इसका हो गया आपका ये आंसर, ठीक है। इसके बाद यार आपका क्वेश्चन नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखना, बहुत अच्छा सवाल है, ये देखना ध्यान से एक बार। कोस इनवर्स माइनस 1/√2, ये दे रखा, कोस की रेंज क्या होती है यार, 0 से पाई, ये कोस की रेंज होती है। अब कोस में मैंने बताया कि कोस में अगर माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाता है, कोस थीटा, ठीक है। और माइनस कोस थीटा कभी भी बराबर नहीं होता कोस माइनस थीटा के, तो ये याद रखना इसके लिए। तो ये लिख रहा कोस इनवर्स माइनस के 1/√2, यार 1/√2 कोस में कितने डिग्री का मानो, 45 डिग्री का, तो ये हो गया आपका कोस इनवर्स माइनस कोस, 45 को पाई बाई 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये माइनस देखो हटाना पड़ेगा, अब इसका कोई इलाज नहीं है, जैसे हमने पिछले सवालों में माइनस को अंदर ले गए थे, तो अब माइनस को अंदर नहीं ले जा सकते, इस माइनस को हटाना पड़ेगा। देखो ध्यान से यार, ए एस टी सी कोस इसमें आता है, ठीक है, एक तो कोस इसमें प्लस का और इसमें सारे प्लस के, तो कोस केवल इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, तो अभी हमें माइनस करना, तो हमेशा एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष भी देखना कि माइनस किस तरह होगा, तो या तो 180 माइनस थीटा होगा यानी कि पाई माइनस थीटा, या फिर आपका पाई प्लस थीटा होगा, तो मर्जी। अब हमें देखो रेंज 0 से पाई के बीच लाना, तो यार हम पाई माइनस थीटा करेंगे,
पाई प्लस पाई में अगर कुछ जोड़ोगे तो इससे पाई से ज्यादा हो जाएगा, रेंज से बाहर हो जाएगा, तो जो काम नहीं करने का, तो पाई माइनस थीटा करो। तो देखो यार, कोस इनवर्स ये आपका कोस पाई माइनस पाई बाई फोर, पाई माइनस पाई बाई फोर, तो यार कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, यही तो बनेगा यार आपका कोस से कोस इनवर्स पाई माइनस पाई बाई फोर, इसे सोल्व करो तो कितना आ गया 3 पाई बाई फोर बिलोंग्स टू 0 टू पाई, तो ये यार इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह के इसके क्वेश्चन आप देख लेना, ट्राई करके 10 तक, अगर 10 तक क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप आराम से बेफिक्र होकर पूछ सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखना, क्वेश्चन नंबर 11 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसमें लिख रहा है देखो यार, टेन इनवर्स एक प्लस कोस इनवर्स माइनस एक बटे दो प्लस साइन इनवर्स माइनस एक बटे दो। ठीक है, अब देखो तीन है प्लस में लिख रहे, हम इन क्वेश्चनों के लिए ध्यान रखियो, जब भी ये मान निकाल लेंगे इनके पाई की टर्म में तो याद रखियो वो हमेशा इनकी रेंज में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सवाल आपका, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan पाई बाई फोर प्लस cos इनवर्स माइनस cos पाई बाई थ्री, cos 60 का मान एक बटे दो, तो माइनस cos पाई बाई थ्री प्लस, और ये आपका साइन इनवर्स साइन पाई बाई सिक्स। ठीक है, अब यार देखो tan से इनवर्स कैंसिल, सीधा पाई बाई फोर आ गया, ये इसकी रेंज में होता है, टेन की रेंज होती है माइनस के पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो उनके बीच में आओगे जो सही है। अब यहाँ पे देखो यार, ये फिर माइनस गड़बड़ी कर रहा है कोस के लिए, कोस में ही माइनस अंदर ले जाना पड़ेगा, तो फिर वही अगर कोस में माइनस आता तो पाई माइनस थीटा से करो, तो प्लस कोस इनवर्स ये कितना हो गया यार आपका, कोस पाई माइनस पाई ओवर थ्री और प्लस साइन इनवर्स, और यार साइन में माइनस को अंदर हम ले जा सकते हैं, तो ये साइन माइनस पाई बाई सिक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पाई बाई फोर प्लस, देखो कोस से इनवर्स कैंसिल कट गया, तो पाई माइनस पाई ओवर थ्री ये बचा, तो थ्री पाई माइनस पाई कितना हो गया टू पाई ओवर थ्री, ये सोल्व करके यहाँ लिख दिया, और ये यार माइनस के पाई बाई सिक्स, माइनस के पाई बाई सिक्स बचा, सोल्व कर लो यार, एलसीएम सबका कितना आ गया, छः तीन चार बारह आ गया, चार तिया बारह तीन पाई, तीन चौक बारह और चार दुनी आठ पाई, छः दुनी बारह और ये दो पाई, तो आठ तीन ग्यारह कितना आ गया नौ पाई बटे बारह, काट दो तीन पाई बटे चार, और ये आपका आंसर है इसका। ठीक है यार, इस एक्सरसाइज का देखो जो मेन क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें लिख रहा है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर वाई है, तो देखो 13 क्वेश्चन में लिख रहा है आपका कि यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है तो क्या होगा। तो यार देखो, साइन इनवर्स एक्स अगर आपका वाई के बराबर है तो हम इसे लिख सके एक्स बराबर साइन वाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, हमें पता, देखो यार जो साइन वाई का मान होता है, साइन में किसी भी डिग्री का मान हमेशा माइनस एक से और एक के बीच में होगा, ये बात याद रखियो। ठीक है, अब देखो यार, ये साइन इधर से हटाया, दोनों तरफ का इनवर्स ले दिया, तो ये साइन इनवर्स माइनस एक लेस देन इक्वल वाई लेस देन इक्वल साइन एक, साइन इनवर्स माइनस एक माइनस के पाई बाई टू होता है याद रखियो, लेस देन इक्वल वाई और लेस देन इक्वल ये आपका पाई बाई टू, या फिर डायरेक्ट हमें साइन इनवर्स की रेंज पता, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और एक्सरसाइज के ये सवाल सारे इंपॉर्टेंट है यार, एक सवाल आ सकता है आपका बोर्ड एग्जाम में, तो जरूर करके देख लेना, और कोई सवाल ऐसा हो जो ना आता हो, ठीक है, तो यार मेरे साथ बेफिक्र होकर पूछ लेना, मैं उसका आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। और यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू।